हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अपना जो फ़ोटो है उसे आप गूगल फ़ोटो में कैसे सेव कर सकते हैं। इसकी मदद से आप इस जीमेल को कहीं पे भी किसी के फ़ोन में भी लॉगिन कीजिएगा, ये आपका पिक्चर जो है फ़ोटो वो रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में मैं ऐसा ही कुछ बताने वाला हूँ कि अगर आप मान लीजिए अपना फ़ोटो जो है गूगल फ़ोटो में रख देते हैं और मान लीजिए आपका जो फ़ोन है कहीं खो गया या फिर फ़ोन रीसेट मरा गया, तो आपको जीमेल का पासवर्ड और जीमेल याद रखना है और लॉगिन करने के बाद दोस्तों आप वो फोटो रीस्टोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं बताऊंगा उस फोटो को आप गूगल फोटो में कैसे सेव करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमें नई वीडियो आने वाली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए लेट्स गो। तो दोस्तों, उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको जो भी फोटो भेजना है पहले हम फाइल में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अपने मोबाइल के फाइल में आ जाना है और वहाँ पे आने के बाद दोस्तों अपने इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप जो भी फ़ोटो सेव करना चाहते हैं ठीक है उसे आप सेव कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं ये फ़ोटो सेव करना चाहता हूँ, तो इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद आपको नीचे आपको शेयर वाला ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, किसी किसी फ़ोन में ऊपर रहता है। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको खोजना है फ़ोटो वाला जो फाइल है वो खोजना है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों जी, फ़ोटो अपलोड टू फोटो। ठीक है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा जीमेल है वो आ चुका है और मेरा जो फ़ोटो है यहाँ पर फाइल वो आ चुका है। अब यहाँ से दोस्तों आप दूसरे जीमेल में भी सेव कर सकते हैं या फिर जो आप में रखना चाहते हैं वो उसमें सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जीमेल को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल मैं यही जीमेल में रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं, ऐसे ही रहने देना है। और यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों ये फाइल जो है वो 1.3 MB का है। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों नीचे अपलोड वाला ऑप्शन जो दिख रहा होगा आपको, कैंसिल और अपलोड, तो आपको अपलोड पर क्लिक करना है। क्लिक करने को दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा फ़ोटो है वो अपलोड हो रहा है। ठीक है, कुछ देर टाइम लेगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो जो मेरा फ़ोटो है वो अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो मेरे इधर का नेट जो है वो थोड़ा स्लो चल रहा है। ठीक है, सॉरी गाइस। तो इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों नीचे देख सकते हो यहाँ पे जो अपलोड वाला कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, यहाँ पे आपको सिंपली बैक आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ से आप मतलब पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ अपने फ़ोन से। तो इसे मैं ऐसे करके यहाँ से आपको डिलीट करके दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ से मेरे फ़ोन में अब ये पिक्चर नहीं है। ठीक है, तो अब इसे मतलब अब यहाँ से मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा पिक्चर है वो कैसे लाए। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको फ़ोटो वाला ऑप्शन में फिर से आ जाना है यहाँ से। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करके इसमें आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों जो मेरा फ़ोटो था वो यहाँ पर सेव हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से दिखाएंगे कि जो मेरा फ़ोटो है वो कहाँ है। तो गाइज, यहाँ पे जो मेरा फ़ोटो है वो यहाँ पे देख सकते हो आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हो गाइज, यही फ़ोटो मैंने वहाँ से डिलीट किया था और यहाँ से मेरा फ़ोटो है वो आ चुका है दोस्तों। ठीक है, तो अब इसकी मदद से आप बड़ी आसानी से मतलब गूगल ड्राइव में फ़ोटो आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद आप यहाँ पे सेव करने के बाद दोस्तों आपका जो फ़ोन में जो फ़ोटो है वो नहीं दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप उसको देखने के लिए आपको यही फाइल ओपन करना होगा फ़ोटो वाला। ठीक है, तो आपको इसे रीस्टोर फिर कैसे करना है वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको उसी फ़ोटो पे क्लिक करना है जिसे आप रीस्टोर करना चाहते हैं। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको थ्री डॉट जो आइकन दिख रहा है आपको सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ से आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको जो डाउनलोड वाला ऑप्शन जो दिख रहा है ठीक है इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो जो मेरा फ़ोटो है वो डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी मदद से आप बड़ी आसानी से गूगल ड्राइव में फ़ोटो सेव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।